जब भी बोर्ड का रिजल्ट आता है तब हमेशा जिक्र टॉपर्स की होती है, लेकिन मध्य प्रदेश का नज़ारा कुछ और था। दरअसल एक लड़की 24 किलोमीटर साइकिल डेली चलाती थी ताकि उसकी पढ़ाई हो सके, और वो लड़की टॉप 10 में आती है और 98.75% मार्क्स उसे मिलता है। सच में है ना प्रेरणादायक कहानी। चलिए आज हम बात करते हैं इसी लड़की के ऊपर। मध्य प्रदेश के विंड जिले के अंचुल गांव की रहने वाली रोशनी भदौरिया ने 10वीं में 98.75% मार्क्स लाकर 8वां स्थान प्राप्त किया। बेहद छोटे से गांव में रहने वाली रोशनी की कहानी अब मिसाल बन गई है, क्योंकि इस छोटी सी उम्र में रोशनी रोजाना 12 किलोमीटर दूर मेह गांव में बने अपने स्कूल जाती थी और फिर 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर वापस अपने गांव आती थी। वहीं 4 साल पहले तक गांव के बाहर से होकर गुजरने वाली बरसाती नाले पर पुल न होने पर स्थिति यह थी कि बारिश के दिनों में रोशनी वापस अपने घर नहीं आ पाती थी और उसे मेह गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकना पड़ता था। आप सोचिए, हम शहर में रहने वाले लोग, हम सच में छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की स्थिति को कभी समझ ही नहीं पाए। इस छात्रा को देखिए कि वह अपनी पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करती रही। इसी तरह सर्दी गर्मी और बरसात में रोशनी ने करीब 24 किलोमीटर साइकिल रोजाना चलाई, लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद रोशनी ने पढ़ाई जारी रखा और उसकी मेहनत का फल 10वीं परीक्षा के परिणामों में देखने को मिलता है, जिसमें कि उसने 400 में से 395 मार्क्स हासिल किए। रोशनी ने बताया कि वह बड़े होकर IAS की परीक्षा देकर कलेक्टर बनना चाहती है, इसलिए शुरू से ही उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है उसके पेरेंट के द्वारा। फिलहाल वह किसानी कर रहे हैं उनके पिता, और माँ भी 12वीं तक पढ़ी लिखी है। ऐसे में दो बेटों के बीच इकलौती बेटी रोशनी को कभी भी किसी पढ़ाई के लिए माँ बाप ने रोका नहीं। रोशनी के पिता की माने तो वह भी चाहते हैं कि रोशनी अच्छा पढ़ लिख कर गाँव और परिवार का नाम रोशन करे, इसलिए कई बार खराब मौसम में उसे मेह गांव के रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ना पड़ता है ताकि वह समय पर स्कूल पहुँच सके, उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। रोशनी की कामयाबी इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि भिंड जिला देश भर में लिंगानुपात मामले में बदनाम रहा है, जहां बेटियों को तरजीह दी जाती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भिंड में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर केवल 838 लड़कियां ही थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये और कम 829 लड़कियां थी। दोस्तों आगे भी मैं इस तरह की जानकारियां आपके लिए लेकर आऊँगा, आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।